खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत राजधानी के पुलिस मैदान में पुलिस परिवार के साथ पौधे रोपे। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 23वीं एवं 25वीं वाहिनी सशस्त्र बल में पौधारोपण किया। सीएम डॉक्टर मोहन के पहुंचने पर पुलिस बैंड से स्वागत हुआ। बच्चियों ने तिलक लगाकर स्वागत किया। पुलिस की ओर से 500 पौधे रोपे गए। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम ने एक पेड़ लगाने की प्रेरणा दी है, यह जन अभियान का हिस्सा बन गया। 14 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने के अभियान का हिस्सा बनेंगे। कहा, पौधा लगाने से काम नहीं चलेगा, पेड़ बनने तक उसकी चिंता करना होगी। पुलिस के अंदर की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार सेंसिटिव है। बजट में 7500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दक्षता के साथ पुलिस नक्सलवाद मूवमेंट को लेकर पुलिस ने बेहतर काम किया। पुलिस ऐसी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। पुलिस इसी तरह से काम करती रहे, सरकार सपोर्ट करती रहेगी। संपूर्ण प्रांगण में भ्रमण के पश्चात कि हमारा संपूर्ण पुलिस परिवार, हमारा समुदाय इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर रहा है। अभिनंदन करते हैं। आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय को कि कृपया अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। के नाम वृहद पौधारोपण कार्यक्रम में मैं मंच पर विराजमान डीजीपी श्री सक्सेना जी को बधाई देना चाहूँगा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश में पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक प्रेरणा क्या दी, ऐसा लगा कि वास्तव में सच्चे अर्थों में हमारे भारत जैसे विशाल देश में हर राज्य में एक पूरा ये जन अभियान का हिस्सा बना है और खासकर मध्य प्रदेश में 5,51,00,000 पौधे लगाने का हमारी सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में लक्ष्य रखा गया और बड़े पैमाने पर इस दिशा में ठोस काम भी प्रारंभ हुआ है। मैं बधाई देना चाहूँगा भोपाल को ही, जिसने 40,00,000 पौधे लगाने का अपना यहाँ का निर्णय किया है। मैं एक बार जोरदार ताली बजाएं पूरे प्रदेश के लिए। और 14 तारीख के दिन यशस्वी गृह मंत्री इंदौर आकर के एक्सीलेंस कॉलेज का भी लोकार्पण करने वाले हैं। साथ ही साथ 51,00,000 पौधे जो इंदौर में लगे हैं, जिसमें 11,00,000 14 तारीख को लगेंगे। इस पूरे आयोजन में राज्य सरकार के साथ गृह मंत्री जी, हमारे स्थानीय मंत्री जी सब मिलकर के कुल मिलाकर के हमारी जो सामाजिक चेतना है उसको जगाने का प्रयास करेंगे। हम सब जानते हैं परमात्मा की कृपा से हमारे अपने जंगलों में सच्चे अर्थों में जल जंगल जमीन ये हमको प्रकृति से भी जोड़ता है और मानवता के मूल गुणों को प्रोत्साहित करने के लिए, खास करके ओजोन लेयर में जो भूमिका देते हैं वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन परमात्मा की कृपा है, नए विज्ञान के युग में, विज्ञान के उन्नति के राह में जंगलों पर जो आरियाँ चलाई गई उसकी कीमत भी हम चुका रहे हैं। खास करके कार्बन उत्सर्जन को लेकर के जिस प्रकार का वातावरण बना है, इसकी सारी सब चीज़ों की पूर्ति एकमात्र पुनः पौधारोपण से हो सकती है। लेकिन केवल पौधा लगाना मात्र नहीं, पौधे के साथ हमारा अपना, जब तक वो पूरा अपनी आयु करने के लायक 5 फीट से ऊपर की हाइट में नहीं हो जाए तब तक भी चिंता करना पर्याप्त रहेगा। उसकी उस दशा में चिंता करना और ये संवेदनाशील तरीका माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है कि माँ के साथ सेल्फी लेना या माँ नहीं है तो चित्र के साथ चित्र पौधा लगाना, तो ये मन के एक संवेदना का बड़ा गहरा पक्ष है माँ से जुड़ना। हमारी तो पूरी संस्कृति मात्र आधारित है, इसलिए वसुधा को भी हमारे 9 ग्रह में से एकमात्र ग्रह है जिसको माँ से संबोधित करते हैं। अपने देश की भौगोलिक सीमा भी दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में एकमात्र देश भारत है जो मातृ संस्था को महत्व देते हुए भारत माता की जय में आनंद का महसूस करता है। ऐसे में माँ के साथ पौधा लगाना यह हमारी अपनी उस संस्कृति को नमन करने के बराबर है। मेरी अपनी ओर से पुलिस परिवार के इस पूरे आयोजन के लिए आप सबको बधाई। आप सब जानते हैं कि पुलिस को लेकर के हमारी सरकार बहुत सेंसिटिव है और खास करके इस पुलिस के अंदर की व्यवस्थाओं के लिए भी संवेदनशीलता के आधार पर जैसे 7,500 से ज़्यादा पद इसी बजट में हमने रखे हैं जो सभी प्रकार के पुलिस की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। कुल मिलाकर के
जहाँ जहाँ जरूरतें हैं पुलिस विभाग वहाँ तत्परता से अगर ड्यूटी कर देता है तो संवेदनशीलता के आधार पर पुलिस से सहृदयता के संबंध हमारे अपने पूरे समाज से अपेक्षित है। और ऐसे में ये सकारात्मक एक स्वरूप दिखाई देता है समाज के दैनंदिन के कार्यक्रमों में इस प्रकार के आयोजन जोड़ने से। मैं एक बार फिर पुलिस की न केवल दक्षता के बलबूते पर लेकिन नक्सलवादी मामले में जिस प्रकार से पुलिस ने अपना रोल अदा किया है, लगातार हमारी सख्ती के आधार पर पुलिस ने अपने मूल रूप को भी कायम किया, मैं उसकी भी बधाई देना चाहूँगा। पुलिस इसी प्रकार से काम करते रहे, सरकार उसका समर्थन करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि उनकी कितनी अधिक व्यस्तताएं हैं तथा आज भी कितना व्यस्त शेड्यूल था और मुझे बहुत संकोच हो रहा था कि हमारे इस कार्यक्रम में समय निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। लेकिन कल जब मैंने उनसे इस कार्यक्रम के लिए निवेदन किया तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे तत्काल कहा कि मैं इस कार्यक्रम में अपने पुलिस जनों के बीच अवश्य जाऊंगा। सर, यह आपका हमारे प्रति प्रगाढ़ स्नेह, आपकी सहृदयता और संवेदनशीलता का द्योतक है। जैसा कि अब बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ 5 जून को किया था और सभी देशवासियों से जुड़ने का आह्वान किया था। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का अत्यंत सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसकी सराहना माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की है। इसी तारतम्य में आज मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सभी जिलों में पौधरोपण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,25,000 पौधे रोपित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों और परिजनों को प्रकृति के अधिक नजदीक लाकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। हमारा प्रयास है कि यथासंभव पुलिस परिवार के बच्चों, बेटियों व बहनों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए तथा चूंकि यह पौधारोपण उनके परिसर में ही किया जा रहा है, अतः जो पौधा पुलिसकर्मी या उनके बच्चे लगा रहे हैं उसे सींचने और रखरखाव की जिम्मेदारी भी उन्हीं को सौंपी जाए, जिससे कि उनमें इन पौधों के प्रति भावनात्मक लगाव उत्पन्न हो सके। प्रकृति भी हमारी माँ है। माँ के प्रति जो स्नेह और सम्मान हमारे हृदय में है, वही प्रकृति के प्रति धरती माँ के प्रति भी होना चाहिए। यही भावना हम पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों में और विकसित करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह अभियान पूरे प्रदेश में अत्यंत सफल रहेगा। एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का। खबर समय जगत के संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।